हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 2 सितंबर शिफ्ट 2 के जेई मेंस के पेपर का एनालिसिस। अगर शिफ्ट 1 के पेपर से हम इसका कंपेयर करें तो थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई था, यानी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे कंपेयर टू शिफ्ट 1। आप सबको मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, अगर शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि आप जब इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो कई चीजें आप समझ पाएंगे कि कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। हमें मैथ्स के लिए 1 आवर मिलते हैं, पर हम 1 आवर से कम समय में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, लॉजिक्स क्या हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं, वैसे ही इस पेपर को भी देखते हैं। तो इस पेपर का सॉल्यूशन देखिए आप, और साथ में अगर आपने पेपर 1 का नहीं देखा तो जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि कभी भी कोई पेपर जब हम देते हैं तो कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आंसर्स आपको याद हैं इस मीन्स कि आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, राइट अप्रोच, ऑप्शंस, ये सब काम आते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसी तरह का क्वेश्चन शीट 1 में था, थोड़ा अलग है ये। इफ ए बी सी, क्या बोला देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी इक्वल टू 0, देन फाइंड ए बी सी। अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह के डिटरमिनेंट का एक रिजल्ट आता है, क्योंकि एबीसी होता है 3 एबीसी, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, दिस इक्वल टू ऑलरेडी 0 गिवन है, आपका आंसर 1 सेकंड में आ गया, ये उधर गया तो 2/3। अगर आपको ये रिजल्ट याद होता तो आपका काफी टाइम सेव हो जाता, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व भी करते तो ऐसा बहुत टाइम नहीं लगता। क्या होता, बी सी माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी के लिए करते तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, प्लस सी के लिए करते तो देखिए कितनी जल्दी आ गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर, दिस शुड बी 0। अब आप ध्यान दें, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 3 एबीसी माइनस ऑफ देखिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, दिस इक्वल टू 0। तो 3 एबीसी, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि क्या चीज एकदम से क्लिक करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, और नहीं है तो मेथड से भी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए, ये दिया था 2, ये दिया था 3, तो करेक्ट आंसर इज 2/3, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, देयर आर एन स्टेशन इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे एन स्टेशन है, मान लीजिए एन स्टेशन यहां पर है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे एन स्टेशन है, ओके, समझिएगा, देयर आर एन स्टेशन इन अ सर्कुलर पाथ, 2 कॉन्जुगेटिव स्टेशन आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, जो 2 कॉन्जुगेटिव स्टेशन है वो ब्लू लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं लाइक दिस, एंड 2 नॉन कॉन्जुगेटिव स्टेशन आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटिव मतलब जो कॉन्जुगेटिव नहीं है वो कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये नॉन कॉन्जुगेटिव है, ये रेड लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। If number of red line is equal to 99 times number of blue line, then the value of n. थोड़ा सा ध्यान करिए कि इस क्वेश्चन को हम किससे कंपेयर करें। क्या होता है, जब पेपर हम देते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हमने पढ़ा है उसमें कहां से किस जगह पे सिमिलरिटी आती है वो ध्यान करो। अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक क्वेश्चन किया हुआ है हेक्सागन में कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालना होता था तो कुछ समझिएगा, तो आप क्या करते थे, 62-6 लिख देते थे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ साइड नहीं लेनी थी। यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6। अगर मैं इन्हीं को, ये एक स्टेशन हुआ, एक स्टेशन ये हुआ, देखिए आप जरा ध्यान से समझिएगा, एक स्टेशन ये हुआ, आप ओवरऑल टाइम देखेंगे तो 30 मिनट में हम पूरा पेपर करेंगे। एक स्टेशन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसे 6 स्टेशन है, और ये वाले जो 2 स्टेशन है ये कॉन्जुगेटिव नहीं है, यस और नो, तो आप 62-6 लिखते थे, पर n में एनी स्टेशन मिलते थे सेम थिंग, और आपको याद हो इसका हमने फॉर्मूला बनाया था, पॉलियन ऑफ n साइड n, n माइनस 3/2, यस और नो, क्वेश्चन सॉल्व, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे इसका आपको पता है कंसेप्ट, NC2-N, इससे नंबर ऑफ डायगोनल निकालते थे, सेम थिंग कि यहां पर भी कॉन्जुगेटिव नहीं लेना है, तो n में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए माइनस n इक्वल टू 99 टाइम्स ऑफ n, ये बोला गया है, यस और नो, ये बोला गया है 99 टाइम्स ऑफ n। अब इसको सॉल्व, मैंने आपको पहले बताया हुआ n, n माइनस 3/2 इक्वल टू 99 n, ये कैंसिल, तो n इक्वल टू 198+3 यानी 201। हर स्टेप, हर कंसेप्ट बहुत
टाइम सेव करना है, ये नॉन कॉन्जुगेटिव्स हो गए, याद रखिएगा। हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो उसका फायदा मिलेगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स। अगर मैं आपसे बोलूं यहां जीरो रख दें तो ये जीरो हो गया, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन होती है, वन पावर इंफिनिटी। आपको मैंने इस ढंग का एक फॉर्मूला बताया था, अगर ध्यान हो, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, बट इसमें कंडीशन थी ई पावर जी एक्स एफ एक्स माइनस वन। कंडीशन केवल इतनी सी थी कि इसकी इस फॉर्म को लगाते समय वन पावर इंफिनिटी जैसा आना चाहिए, बिल्कुल है। तो आप एक स्टेप में कर सकते थे वन बाय एक्स, अब ई पावर एक्स टेंस टू जीरो पे ही, अब टेन पाई बाय फोर। देखिए छोटी छोटी स्टेप्स बहुत, मैं बोलूंगा, हमेशा काम आती है। आप इसे डायरेक्ट लिखो वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, यस और नो? तो ये हो गया वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स माइनस वन। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ई पावर वन बाय एक्स टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स अपॉन एक्स वन हो गया, टेन जीरो जीरो होता तो बचा क्या, ई पावर टू, देन आंसर विल बी ई स्क्वायर। कितनी इजीली आप कर पा रहे हो, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, पर ऑलमोस्ट सही होंगे। किसी में हो सकता है डेटा करेक्शन हो, अलग बात है, पर ऑलमोस्ट सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस बाय टेन है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाय टेन माइनस वाई स्क्वायर बाय टेन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये एक हाइपरबोला है, बी हाइपरबोला, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव इक्वल टू वन। कोशिश करिए पहले स्टेप में लिखते चले बी एन एलिप्स सच दैट थ्री कॉन्जुगेटिव हाइपरबोला, वो सॉरी सच दैट द एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला इज रूट फाइव टाइम ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी आप बोल सकते हैं टू इंटू फाइव कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए। छोटी चीज को हम हमेशा बी बोलते हैं, छोटा होगा या बड़ा होगा, यस और नो? अच्छा एक चीज आपको पता है यहां पर कि हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है उससे रूट फाइव टाइम्स एसेंट्रिसिटी उसकी इलिप्स की है। तो यहां से हम अगर करें तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव टाइम्स ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो? देखिए टेन से टेन कैंसिल, फाइव से फाइव कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। एक तरह से आप बोल सकते हो कि वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो फाइव टाइम्स ऑफ, यहां पर साइन थीटा बचेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो? आपको तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फाइव माइनस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, या आप बोल सकते हैं सिक्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फाइव, या फाइव नहीं फोर, तो आप बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू बाय थ्री। डायरेक्ट यही रख दीजिए तो टेन इंटू टू बाय थ्री अपॉन फाइव, फाइव मुझे कैंसिल कर देना था यहां पर, पहले ही कर दो चाहो तो कैंसिल, तो टू इंटू टू बाय थ्री, देन आंसर इज, एक मिनट, बाय ए होता है तो यह रूट फाइव लिखना था बेटा मुझे, सॉरी, सब कुछ सही किया है, टू इंटू बी स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए मतलब रूट फाइव, तो टू इंटू ये रूट फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है टू बाय थ्री, तो फोर रूट फाइव बाय थ्री इज अ राइट आंसर, फोर रूट फाइव बाय थ्री इज अ राइट आंसर, इज दैट क्लियर? कितना सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड था, इसलिए बार बार मैंने आपको बोला होगा, ध्यान दो आप, कि आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करोगे फायदा होगा, थ्योरी पे कमांड रखोगे फायदा होगा। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ थ्री प्लस टू रूट माइनस फिफ्टी फोर की पावर वन बाय टू। लॉजिकली देखें तो कुछ ऐसा है, थ्री प्लस रूट फिफ्टी फोर को आप लिख सकते हो थ्री रूट सिक्स, यस और नो? तो थ्री प्लस सिक्स रूट सिक्स आयोटा माइनस
थ्री माइनस सिक्स रूट सिक्स आयोटा, ये कुछ ऐसा दिया है। इसकी शॉर्ट टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले याद रखिए, ये इसका इमेजिनरी पार्ट बोला। वैसे ये अगर देखें तो अगर जेड है तो ये जेड बार है, और जेड जेड बार होता है टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर टू टाइम्स ऑफ देखें तो ना टू इसमें है ना टू इसमें है, ये और ये हो सकता है, पर रूट सिक्स के साथ है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते थे। याद रखिएगा, जेड प्लस जेड बार जो होता है टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी प्लस में जब बात करेंगे, जेड प्लस जेड बार तो टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी के साथ बात करेंगे तो टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी अगर लॉजिक से देखें तो ये हो गया। बाकी अब मैं आपको मैं मेथड से बताता हूं, मेथड में कोई देर नहीं लगेगी। अगर आपको याद हो तो ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालने का डायरेक्ट हमने तरीका सीखा है, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई। यहां पर एक्स होता है अंडर रूट 1/2 मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई होता है 1/2 मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। अब मेंटली करना चाहें तो हम मेंटली कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसका एक्स देखूं तो आप बोलते हैं 1/2 मॉड जेड यानी 9 प्लस 216 225 यानी 15 प्लस 3 18/2 यानी 3 मिलता। वाई देखूं तो आप बोलते 12 यानी रूट ऑफ 6 मिलता। यस और नो? इसका मतलब अगर मैं इसके आंसर को और इसके आंसर को समझूं तो इसका आंसर प्लस माइनस 3 प्लस रूट 6 आयोटा मिलता, और इसका आंसर भी वही सेम, यहां पर प्लस माइनस लगता, और फिर क्या मिलता, 3 माइनस रूट 6 आयोटा। अगर हम देखें तो केवल आपसे इमेजिनरी पार्ट बोला है तो प्लस माइनस 2√6 आयोटा मिलेगा। आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, मतलब आयोटा हट जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बोला है, तो ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यानी आप किस ढंग से सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत सारी बातें इस पर डिपेंड करती है। आपने पूरे साल किस ढंग से पढ़ाई की, कितने कंसेप्ट के साथ किए, क्या आपका अप्रोच था, इस पर बहुत कुछ पेपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x^n इज 2:5:12, फाइंड n। याद होगा इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है, टी आर, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2 का रेशियो दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ये अलग से रिवाइज करवा रहा हूं, ये टाइम पेपर का नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए था। ये होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1 इज एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। अगर ये आपका ध्यान है तो आप समझ लो क्वेश्चन हो गया। तो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 5/2 या 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू 5r, या ऐसा बोल सकते हो 2n इक्वल टू 7r माइनस 2। ऐसे ही आप n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 को लिख सकते हो 12/5, देन 5n माइनस 5r इक्वल टू 12r प्लस 12, या 5n इक्वल टू 17r प्लस 12। यस और नो? ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करते हैं आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये टाइम आपको अगर आपने बचा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो 10n इक्वल टू 5 का करा 35r माइनस 10, यहां करो 2 का 10n इक्वल टू 34r प्लस 24, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये मिला कितना बेटा r माइनस 34 इक्वल टू 0 या r इक्वल टू 34। आर की वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हो, यहां रखना चाहो यहां रख दो, यहां रखोगे तो टाइम बचाना है, तो 2 इंटू एन इक्वल टू 7 इंटू 34 माइनस 2, तो एन इक्वल टू 17 इंटू 7 माइनस 1 यानी 119 माइनस 1 यानी 118। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? बस अब आपके कंसेप्ट फॉर्मूले जितने एक्चुअल डायरेक्ट याद होंगे उतना आपको फायदा पेपर में मिलेगा। नोट करिए क्वेश्चन को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए काफी इजी है, बहुत जल्दी होने वाला। इसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर शिफ्ट वन में भी था, इसमें पूछा क्या है, लैम्डा इक्वल टू, माइनस लैम्डा इक्वल टू बोल सकते हो, साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए फोर प्लस बी फोर का क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा इज, इससे लिखते तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक टू का मल्टीप्लाई एक टू का और डिवाइड कर लो तो ये ऐसा हो जाता, यानी आप ये लिख सकते थे। तो ये क्या हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो माइनस लेमडा इक्वल टू वन माइनस वन बाय टू साइन स्क्वायर टू थीटा। अब साइन स्क्वायर टू थीटा है, मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जीरो और वन, जब ठीक जीरो हुआ तो लेमडा माइनस वन हुआ, जब ठीक वन हुआ तो लेमडा माइनस वन बाय टू हुआ। तो आप बोल सकते हो माइनस वन बाय टू से माइनस वन, वो माइनस वन से माइनस वन बाय टू, ये देखिए हो गया। ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप वाकई में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, जरूरत थी सही थॉट सही एनालिसिस की। नोट कर लीजिए पेपर क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, सॉरी इंक्रीज इन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स हुज वन वर्टेक्स कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान हो आपने करा भी है इसका डायरेक्ट, पर उसमें लेंथ निकाली थी आपने। ये ऐसा एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसका एरिया बताना है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये 30 डिग्री होगा। अच्छा, पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। लॉजिक से मुझे बताइए ए दिया हुआ है कितना, 2, तो ये ऐसे हो गए 2 मतलब 2t स्क्वायर कॉमा 40। तो मैं अगर आपसे इस ट्राइंगल का एरिया बोलूं और इसका डबल कर दूं तो पहले बताइए ये है 2t स्क्वायर ये है 40, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ 80 स्क्वायर, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 8t क्यूब। बस खत्म क्वेश्चन। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर हम 10/30 ले सकते हैं, तो 10/30 इक्वल टू 40 अपॉन 2t स्क्वायर, 10/30 इज 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 2 बाय टी, देन टी इक्वल टू 2 रूट 3 रख दीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 3 रूट 3 64 192 रूट 3, दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 6 के टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स, डायरेक्ट लिखे, देखिए कॉस के एक्स साइन के एक्स ये 3/5 है 4/5 है, तो कॉस के एक्स इसे कॉस अल्फा बोल दो माइनस साइन के एक्स साइन अल्फा, और ये ऐसा हो जाएगा कुछ, स्टेप इतनी मत लिखा करो आप लोग, के कॉस इनवर्स कॉस के एक्स प्लस अल्फा, राइट। तो क्या बचा समझाने के लिए, स्टेप लिखी गई है, समेशन के इक्वल टू 1 to 6 बोलिए के इंटू के एक्स प्लस अल्फा, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ऐसा भी बोल सकते हैं के इक्वल टू 1 to 6 के स्क्वायर एक्स प्लस के अल्फा। अब यही फंक्शन है ऐसा मानिए वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका करना, अच्छा इसमें एक्स ही आएगा तो डिफरेंशिएशन इस एक्स का ही होगा, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो केवल आपको मिलेगा सिग्मा के इक्वल टू 1 to 6 केवल के स्क्वायर, एक्स का 1 उसका 0। अब आपको एन सिग्मा एन पता क्या, सिग्मा एन उसका पता क्या होता है, तो एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6 ये कैंसिल, तो 91 इज द राइट आंसर। स्टेप सेविंग कंसेप्ट, थॉट क्लियरिटी जितनी स्ट्रांग होगी क्वेश्चन उतने कम समय में आप कर पाएंगे सॉल्व। नोट करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ रूट 3, जब रूट 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, एफ टू एफ माइनस 1 की वैल्यू भी 0 है, देन अदर रूट लाए, मतलब आपको एक रूट तो दिया है अल्फा, बीटा बताना है किस इंटरवल में लाए करेगा। एक चीज, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मानते हैं ax² + bx + c, तो 3 रखिए,
तो 9A प्लस 3B प्लस C ये जीरो है क्योंकि रूट है, 9A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू जीरो। अच्छा दूसरी बात, आपको बोला है F2 प्लस F माइनस 1 जीरो है। F2 मतलब बताइए, यहां पर 2 रखिए जरा, तो 4A प्लस 2B प्लस C प्लस 1 रखिए तो A माइनस B प्लस सी दिस इक्वल टू जीरो। तो 5A 5A प्लस बी प्लस 2C इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं। स्टेप बचानी है हमको, अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो A के लिए करेंगे तो 6 माइनस 1 है ना, 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। B के लिए करिए तो 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 तो माइनस 13। सी के लिए करिए 5, बी के लिए किया तो 5 माइनस 18 हाँ माइनस 13, सी के लिए किया तो 9 माइनस 15 तो माइनस 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि सी बाय ए क्या है, यहां चला गया, तो आप बोलते हैं माइनस 6 बाय 5, यस और नो। आप समझना लॉजिक बताओ, सी बाय ए मतलब अल्फा बीटा है माइनस 6 बाय 5, अल्फा 3 है तो बीटा हो गया माइनस 2 बाय 5 यानी माइनस 0.4, जो कि किस इंटरवल में, इसमें है, सबसे नियरेस्ट लेंगे। आप कई बार सोच सकते हो ये होगा पर ये नहीं, दिस वन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ अ कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 2xy प्लस y स्क्वायर dx एंड पासेस थ्रू 1 2 देन फाइंड एफ 1/2, मतलब y बताना है। देखिए इक्वेशन देखते समझ में आ रही है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी dy बाय dx क्या है 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, अब मैंने आपको जो पढ़ाया था होमोजीनियस में, अगर आप ध्यान हो ये रिवाइज करवाता हूं, कुछ ऐसे डायरेक्ट बताए हुए हैं कंसेप्ट है, जितना डायरेक्ट यूज करेंगे उतना फायदा होगा। डीवाई बाई डी एक्स को लिखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहां पर ये आपको मैंने बताया था एफ वी बन जाएगा। अच्छा एक बात, वाई की जगह वी और एक्स की जगह वन, और आंसर देते समय वाई वी की जगह वाई अपॉन एक्स पुट कर दो। अगर ये ध्यान रहे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। कैसे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहां टू बी और टू बी है तो वी बचा प्लस वी स्क्वेयर बाय टू, वी से वी भी कैंसिल तो डी वी के साथ वी स्क्वायर आ गया इक्वल टू, आप बोल सकते हो डी एक्स के साथ, ये वी स्क्वायर बचा ना डी एक्स के साथ अपॉन में एक्स आ जाएगा एक्स, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन वी इक्वल टू, ये एक मिनट टू भी था ना, ये कैंसिल हो गया था बेटा, तो टू वहीं पे छोड़ सकते हो आप, ऐसे टू आप छोड़ भी सकते हो, तो आप ऐसा या टू यहां ले लीजिए, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया रिजल्ट। क्या आ गया, अब ये सब आपने पढ़ी हुई चीजें थी, अगर कोई पेपर में ऐसा नहीं था जहां उलझ सकते थे, यानी आपको मिलता माइनस टू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, या ऐसा भी बोल सकते हो y इक्वल टू मिल गया माइनस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। अब पहले c इधर ही निकाल लो, वन टू बोला है तो y की जगह टू रख, x की जगह वन, y की जगह टू, टू से टू कैंसिल वो जीरो, तो c माइनस वन है, तो एक तरह से माइनस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस वन, या y को ऐसा भी बोल सकते हो टू एक्स अपॉन वन माइनस लॉग एक्स। अब वन बाय टू पे बोला है, इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, वन बाय टू पे बोला, वन बाय टू रख दो यहां, तो वन अपॉन वन प्लस लॉग टू, वन अपॉन वन प्लस लॉग टू, देन दिस इज द राइट आंसर। होमोजीनियस इक्वेशन से आपने इसको लीस्ट टाइम में सॉल्व कर लिया, राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर थ्री पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो आपको बोला है ए बी सी आर थ्री पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो, देन पूछा क्या है सुनिए, पी
बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाय ए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या करेंगे? अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो यही लगाता ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी ए, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए माइनस पी ए के साथ बी प्लस ए के साथ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बाय पी ए। अब एक बार बताइए, ये जीरो दिया है, ये इंडिपेंडेंट दिया, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी सी, ये पी ए है, पी ए से पी ए कैंसिल, जितनी स्टेप बचाएंगे तो देखिए क्या आएगा, वन माइनस पी बी माइनस पी सी केवल। अब वन माइनस पी बी को चाहो तो पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी सी लिख सकते हो, या वन माइनस पी सी को चाहो तो पी सी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी लिख सकते हो। इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता था, तो ये वाला आंसर हो गया, दिस इज द राइट आंसर। ये दोनों में से कोई भी हो सकते थे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो आपको बोला भी था कि प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, अगली शिफ्ट में सब कंसेप्ट काम आने वाले हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, एफ एक्स इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन टू इंफिनिटी, एफ एक्स एफ जीरो वन गिवन है मतलब जीरो पर, ठीक है, देन एफ एक्स इज। अब एक चीज बताइए, लॉजिकली मैंने आपको बोला था कि ए बाय बी में अगर बी की वैल्यू बढ़ती जाए, आप ध्यान दो जरा थोड़ा सा लॉजिक से, कि नीचे एक्स है ऊपर लॉग वन प्लस एक्स है, अगर मान लो आपने एक्स की जगह टेन रखा तो लॉग इलेवन अपॉन लॉग टेन, लॉग ट्वेल्व अपॉन लॉग इलेवन अपॉन इलेवन, नीचे की वैल्यू बढ़ेंगी, यानी जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट क्या होगा, कम होगा, और अगर इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट कम होता है तो हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, यानी आप इसे बिल्कुल बिंदास बोल सकते थे, ऑलवेज डिक्रीजिंग। एन अदर वे डिफरेंशिएशन करते और एफ डैश एक्स आप निकालते तो अपने आप ही वो लेस देन जीरो हो जाता, वो भी करके देख लो आप, यानी सब कुछ आपके हाथ में है, आपका अप्रोच, इसी को बोलते हैं अप्रोच कंसेप्ट। तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या होगा तो आप बोलते हैं एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, इंटू वन प्लस एक्स, ये आपको पहले से मेंशन है एक्स की वैल्यू माइनस वन से इंफिनिटी, तो ये तो पॉजिटिव है ही, अब केवल ये बचा है एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू लॉग वन प्लस एक्स। अब फिर लॉजिक लगता है, यहां एक्स है यहां वन प्लस एक्स है, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होती जाएंगी, यानी लेस देन जीरो होगी, या फिर इसे जी एक्स मानो। यहां पे भी समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें अगर हम देखें तो ये अपने आप में बड़ा है तो निगेटिव आएगा, इसलिए ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है, वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर टू बाय कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बी कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए कर्व कुछ ऐसा दिया है, वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर टू वाई प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो दी है, एक्स की वैल्यू जीरो अगर मैं यहां रख दूं तो ये वन और ये भी वन, तो वाई टू मिलता है, यानी आपको जो इक्वेशन बता रही है जीरो टू से, देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, जीरो टू ये कर रहा है, यहां रखो जीरो टू नहीं कर रहा है, यहां रखो जीरो टू कर रहा है, यहां रखो नहीं कर रहा, दो तो रिजेक्ट, अब एक फिर भी बच गया, कोई बात नहीं, हम इसको डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप से पता कर लेंगे, क्योंकि इनके स्लोप अलग अलग है, तो डी वाई बाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकलेगा उसके रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे। अच्छा एक बार बताइए, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक तरह से ऐसा मिला वन प्लस एक्स की पावर टू वाई प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, या आप पूरी इक्वेशन को ऐसा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को आप यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, जीरो टू है वन प्लस एक्स की पावर टू वाई प्लस वन माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स बताना है, इम्प्लिसिट फंक्शन बना दिया मैंने, इम्प्लिसिट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन
डेल वाई आपने जब यूज किया तो बोलिए क्या आएगा, माइनस ऑफ, इसको बेस को एक्स मानोगे तो 2y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2y माइनस 1 माइनस ऑफ 2x अपॉन इसको, आप ये पावर है तो a पावर x वाला लगेगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2y लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 1। एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 रखो, एक्स की जगह 0 रखा, वाई की जगह 2 रखा, तो ये हो गया 2 2 जब 4, यहां 0 रखा माइनस 1 तो ये मिला प्लस 4, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस 1/4। कौन दे रहा है देख के पता चला, ए दे रहा है, एंड दिस इज द राइट आंसर। कितना आसानी से आप कर पाए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, जैसे आपका टाइम ले सकता है, तो हर क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होगा, पर हर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट में होगा, यही आपके सिलेक्शंस का सही तरीका होना चाहिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वाई इक्वल टू अल्फा बाइसेक्ट द एंगल बाउंडेड बाय द रीजन इन इक्वलिटी बेस है, इस तरह का क्वेश्चन शिप वन में भी आया था, 2x 10। अच्छा, अल्फा जो बाइसेक्ट कर रहा है उसके टर्म में इक्वेशन बतानी है, देखते हैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। अब आप अगर समझें तो ऐसा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x, इक्वलिटी मान के करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू 2x, इस तरह की एक लाइन हो गई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इक्वल टू लेके निकाल सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह 2x रखा तो x की एक वैल्यू 0 और एक आ गई कितनी 0 0, एक आ गई 2, 2 रख दो तो 4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 2, 4। ये देखो ये एक लाइन हो गई। अब y इक्वल टू अल्फा मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये y इक्वल टू अल्फा हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एरिया को, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये बताना है, तो एक काम करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं कि अल्फा में रिलेशन क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो यहां पर एक सीधा लॉजिक है कि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को बताओ क्या होगा, तो 0 to 4 यहां पर विद वाई की स्ट्रिप ले रहा हो बेटा डी वाई की, तो एक्स की वैल्यू रखोगे तो यहां पर एक्स की वैल्यू है रूट वाई माइनस वाई अपॉन टू डी एक्स इक्वल टू, बाइसेक मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to अल्फा सेम रूट वाई माइनस वाई बाय टू डी वाई, डी वाई लिखना दोनों तरफ। अब देखिए दोनों के इंट्रीगेशन तो सेम होंगे, तो आप इधर भी इंट्रीगेशन मत करना, इधर भी मत करना, दो बार मत करना, अलग से इसका इंट्रीगेशन बताओ तो क्या होगा, तो मैं आपसे पूछता अलग से इसका इंट्रीगेशन क्या होता, तो आप बोलते सर 2/3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, यस और नो। अब जैसे इसमें 0 से 4 में 4 रखते, केवल 4 रखते, 4 का स्क्वायर रूट 2 8 16/3 माइनस 16 4, तो ये आता 4/3, देखो कितनी जल्दी निकल गया क्योंकि 0 पे 0 हो जाता, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेम कितना 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4। ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाता तो 2/3 यहां आता 2/8, ऐसा बोल सकते थे आप 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4, ये भी कैंसिल, तो आपको कैसा क्या रिजल्ट मिलता, 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 है कोई, 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8। ये देखिए यस और नो, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन बन सकता है, बस शर्त है सही सिलेक्शन हो, सही अप्रोच हो और बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो, नहीं तो नहीं बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। इफ सम ऑफ द सीरीज एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स क्यूब के माइनस फोर होगा, वो के माइनस फोर इंटू ए अप टू 9 टर्म, इसका समेशन गिवन है तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा। आप बताइए पहले x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये कितने 9 टर्म तक है, तो 9 टर्म तक है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो a इंटू
एक्स की पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यस और नो? ठीक है, प्लस अगर मैं के कॉमन मतलब ए कॉमन ले लूं तो आपको ऐसा मिलता के के माइनस 2 के माइनस 4, ऐसा अप टू 9 टर्म तक मिलता, यस और नो? दिस इक्वल टू, ऐसा है ध्यान देना, एक्स की पावर 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 को अलग लिख लो क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 45 ए इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी कैंसिल, देखो ये इससे कैंसिल होगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, एक तरह से माइनस 45 ए और ए भी कॉमन निकल के कैंसिल, यानी बस आपको कंपेयर करना है। अब देखिए के 9 टाइम आएगा तो 9 के, अब माइनस ऑफ याद रखिएगा 2 से लेके 2 4 6 ऐसे चलेगा, पर वो एक टर्म तक आएगा, यानी आखिरी टर्म में अगर 2 है तो एक टर्म में 16 होगा, तो ये 16 तक आएगा। 8 टर्म का समेशन है जो होता है एन इंटू एन प्लस 1, तो 9 सॉरी 8 इंटू 9 है ना 72, तो माइनस 72 इक्वल टू आप बोल सकते हो माइनस 45, तो 9 के इक्वल टू आप ऐसा बोल सकते हो का माइनस का 45 प्लस का 72 कैंसिल कर दो, तो माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 4, तो के का वैल्यू क्या आ गया 4। कितने इजीली आपने इसको सेपरेटली कर दिया, बस सेपरेट करते ही आपको आंसर समझ में आ गया क्या हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें, जैसे के 9 टाइम आया है, के 9 टाइम आया है, बट के माइनस 2 जो है वो 8 टाइम, के माइनस 2 के माइनस 4 वो सॉरी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 ये 8 टाइम तक आएगा क्योंकि ये अगले टर्म से स्टार्ट हुआ है और इवन का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस 1। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, 1 टू 2 मॉड ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके दो तरीके हो सकते थे, देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे अगर मैं 1 रखूं तो 3 मिलता, 2 रखता तो 6 मिलता, तो हम नंबर लाइन पे ब्रेक भी कर सकते थे। 1 को आप लिख लो 3/3 जैसे रखना सिखाया था, 2 को लिख लो 6/3, ये 2 है, तो इसके बीच के इंटीजर लेना आसान होता, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3, यानी अगर आप चाहते तो आप बिल्कुल आसानी से 1 टू 2 1 टू 4/3 में इसका नेचर होता 3, तो आप ऐसा लिखते 2x माइनस 3 dx प्लस 2 4/3 से 5/3 में इसका नेचर होता 4 और 5/3 से 2 में इसका नेचर होता 5। थोड़ा सा टाइम लग सकता था, या इसको एक काम और कर सकते थे आप कि इसको ऐसा भी लिख सकते थे 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ऑफ x, तो इससे ये केवल फ्रैक्शन पार्ट बचता, इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, राइट? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक चीज समझिए आप कि पेपर जब देते हैं हम, तो हमें यह बात समझनी है कि पहले सिंपल क्वेश्चंस लें, फिर टफ लें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। ये पेपर और पिछला पेपर दोनों देखिए, ये आने वाले दिनों में काम आएंगे, और अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर जेई देने वाले तो डेफिनेटली ये अप्रोच से पढ़ने में आपको बहुत फायदा मिलेगा।